नमस्कार, नेशन वन में मैं लीली आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे न्यूज़ रूम में बाइक राइडर हैं, 67 साल की जिनकी उम्र है, और एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए वो बाइक राइड कर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। उनका नाम है प्रमोद लक्ष्मण महाजन, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आपसे सबसे पहला सवाल, आप बाइक राइड और हमारे उत्तराखंड तक पहुंचे हैं, अभी तक आपने कौन कौन से स्टेट्स कवर किए हैं, और इस सब के पीछे जो कारण है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं 21 अक्टूबर को पूना से रिवर्स संस्था से मैं जुड़ा हूं, और रिवर्स संस्था का ये संदेशा अंगदान के लिए संदेशा लेके आया हूं। और मैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ऐसा प्रचार करते करते उत्तराखंड में कल डेहराडून में पहुंच गया हूं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि रिबर्थ फाउंडेशन से जो है आप जुड़े हुए हैं, तो ये रिबर्थ फाउंडेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये फाउंडेशन जो है किसकी बनाई हुई है, और इस रिबर्थ फाउंडेशन का मोटिव क्या है। ये रिबर्थ फाउंडेशन का मेन जो संस्थापक है राजेश शेट्टी करके पुणे के है, और उन्होंने ये सामाजिक संस्था इसलिए बनाई कि अंगदान पर प्रचार हो, अंगदान करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करना है और अंगदान के विषय में लोगों को जागरूक करना है इसीलिए, और इसी कारण बहुत सारे लोग जुड़ के अंगदान करने। इस रिबर्थ संस्था में आप कब जुड़े हैं, और आपके मन में अंगदान का ख्याल कैसे आया, और फिर बाइक पर सवार होकर कई सारे स्टेट्स को कवर करने की जो ये बात है, ये कब आपके दिमाग में आई, और अंगदान करना है, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में कैसे आई। मेरे गांव में मेरे मित्र जो मिलिट्री में जवान थे, उसका 2000 साल में किडनी, दोनों किडनी फेल हुई, तो उनका बड़ा भाई जो गांव में 2 महीने में बहुत टाइम दिखा, तो मैं पूछा क्या तुम लंबी छुट्टी निकाला क्या, तो वो बोला कि नहीं नहीं, मेरा हमारे छोटे भाई का किडनी भी दोनों फेल हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में से किसी का मैच होता है क्या, तो बोला कि हमारे 4 भाइयों की बीवियों का भी मैच नहीं हो रहा है, हमारा 3 भाइयों का भी मैच नहीं हो रहा है। तो मैं पूछा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोला वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो ठीक है, मैं बोला तुम अभी मुंबई जाओ, मैं बुधवार के दिन गाड़ी में बैठता हूँ और गुरुवार के दिन आपके भाई को मैं किडनी देने के लिए आता हूँ। तो उस टाइम में तो 2000 साल में तो इतना प्रचार नहीं था, तो वो पागल जैसे मेरे मुँह को देखने लगा और बोला कि अरे प्रमोद, किडनी देने का है, किडनी देने का है। तो उसको मैंने बोला कि मेरे को मालूम है एक किडनी के ऊपर आदमी जिंदा रह सकता है, और तुम बिंदास्त जाओ, मैं आके के तुम्हारे भाई को किडनी दे के तुम्हारे भाई की जान बचाऊंगा। तो ये तो बहुत अच्छा बात आपने सोचा। कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि आप अपनी एक किडनी जो है दान करेंगे? क्या आपने अपने माता पिता से पूछे बिना ये जो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, उस वक्त आपके दिमाग में क्या सोच थी? बस आदमी कोई झाड़ के पत्ते नहीं झाड़ से तोड़ने का है, और कोई अड़चन में आएगा तो उसको जिंदा रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ मैं, और उसके लिए मैंने मेरे बेबी की परमिशन ली और उसके सिग्नेचर से सिवाय मैं किडनी नहीं दे सकता था। तो हमारे गांव में शरद पवार जी की बड़ी बहन है, मैं उनको बोलने के बाद वो बोले कि तुम्हारे बीबी को हमारे लेके आओ मुंबई में, उसको मैं समझाऊंगी। फिर उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझाने के बाद में हमारी बीबी मान गई और उन्होंने सिग्नेचर किया। जब आपने किडनी दान करी, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, और किडनी दान करने से पहले जब आपने उनसे प्रॉमिस कर लिया था अपने दोस्त से, तो क्या किसी तरह का कोई डर आपके मन में था कि किडनी एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था जब आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस कर लिया था? मेरे को तो डरने की कोई बात नहीं थी, अभी आपने बात की ही है। तो जिस टाइम में मेरे को ऑपरेशन करने के लिए टेबल पर सुलाया
और मेरे जो फ्रेंड था उसको अलग टेबल पर सुलाया था, बीच में पर्दा था, तो डॉक्टर का और मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हाँ, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या महाजन आपको कोई डर लग रहा है क्या, तो मैं उनको बोला कि मेरे सारे शरीर पर आपने मशीनरी लगाई है तो उसके अंदर आपको समस्त होएगा, तो वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा तुमको लगता है क्या कि हमारे ऑपरेशन करते टाइम हमारे हाथ से आपका कुछ भला बुरा हो जाए, तो मैं उनको बोला कि देखो साहब मैं तो किसान हूँ, मैं खेत में गया और मेरे को सर्पदंश हो गया और मैं मर गया तो मेरा क्या फ़ायदा है, अगर एक आदमी की जान बचाते टाइम आपके हाथ से अगर मैं मर भी जाए तो मेरा गांव मेरे को सर पे उठा के नाचेंगे। बहुत ही अच्छी सोच है प्रमोद महाजन की कि किसान है वो और यदि खेत में जाकर उनको सर्पदंश हो जाए, कोई सांप उन्हें डस ले और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो, तो ऐसे जीवन का क्या करना, और शायद यही सोच उनको अंगदान के लिए जो है उन्हें प्रेरित करी है और आज बहुत सारे लोगों के साथ वो जुड़े हैं और समाज में इस संदेश को पहुंचा रहे हैं कि अंगदान जो है वो महादान होता है, सबसे बड़ा दान होता है, तो हमें अंगदान ज़रूर करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने बड़े कॉज के लिए पूरे समाज के साथ जुड़ कर के ये काम कर रहे हैं, बाइक पर सवार होकर इतनी बुज़ुर्ग आप अभी उम्र के हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है, लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि आपको जो पैसों का जो भी आदान प्रदान होता है, किस तरीके से लोग आपको मदद करते हैं या आप अपनी तरफ से ही जो भी खर्च आप कर रहे हैं, जैसे बाइक पे सवार हो गए, आप कई सारी स्टेट्स कवर करने हैं, तो ये सारा खर्चा आपको कहाँ से मिलता है? अभी हमको पूरा भारत में से जो अंगदान के लिए जो काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, 108 नंबर कई राज्यों में हमको जुड़ी है, मोहन फाउंडेशन है, लाइफ फाउंडेशन एक है, ऑर्गन लाइफ फाउंडेशन गुजरात की, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है, और भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है वो भी हमको सपोर्ट कर रही है, और पूरा इंडिया का जितना भी बाइकर्स ग्रुप है वो हमको जुड़े हुए हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे को पिकअप करने के लिए आते हैं, तो मेरे को इतना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है कि समझो कि 12 हाथी का बल मेरे शरीर में आए जैसा लगता है, और मेरा बुढ़ापा नहीं तो थकान नहीं तो ये अभी आपके डेहराडून की ये ठंडी सब खत्म होती है और मेरे को और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इस वक्त हम प्रमोद लक्ष्मण महाजन जी से बात कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए वो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग समय के साथ साथ उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जो हमारी यंग जेनरेशन है वो किस तरीके से जब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, उनकी तरफ से आपको किस तरीके का बातचीत देखने को मिलती है, किस तरीके का उनका रुझान अंगदान के प्रति आपको देखने को मिलता है? बहुत सारे उल्टे सीधे भी प्रश्न करते हैं लोग, मगर इसमें सबसे बढ़िया जो काम है वो जब आदमी ब्रेंडेड होता है तो डॉक्टर लोगों का उसमें मुख्य अंग रहता है कि उन जो उनके घर वाले हैं उनको अच्छी तरह से समझाया जाए कि आदमी को जलाने से या गाड़ने से अपने को क्या मिलेगा, मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर मिट्टी मिलती है, अगर उसका अंगदान करेंगे तो जिसका अंग दिया है वो तो जिंदा रहेगा, उसको नया जीवन मिलेगा, और जिसका अंग उसके अंदर बिठाया है वो तो अंग फिर से हमेशा के लिए जीवित रहेगा, अमर रहेगा। इसके लिए हम समझाने का भी बहुत प्रयत्न करते हैं, लोग समझ जाते हैं, रिस्पांस अच्छा है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कई लोगों में बहुत ज़्यादा डर होता है, अपने परिवार में भी यदि किसी को किसी अंग की ज़रूरत है तो भी लोगों में काफ़ी डर देखने को मिलता है कि कहीं हम अंग दान करेंगे तो हमें नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे को किसी तरह का जीवन से हाथ ना धोना पड़े, तो जो इस तरीके के लोग हैं उनके लिए किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो वसूल ऐसा है कि मैं किया है तो मैं लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को किडनी दे के
18 साल हुए। 18 साल में मैं एक पूरा गाड़ी पर से घूमता हूँ। 2009 में मैंने एड्स जन जागृति 4 राज्यों में 7,500 किलोमीटर बाइक पर से किया है। अगर मेरे को कुछ नहीं होता तो आपको भी कुछ नहीं होएगा, ऐसा मैं लोगों को समझाता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी सकारात्मक ही होगा, यही आप कहना चाहते हैं? देखिए, समाज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अपन पहले तो अपने पूर्वज बाप दादा अपने लंगोट पहनते थे, अभी पैंट पहन रहे हैं, पायजामा पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, पहराव बदल गए, आपकी शिक्षा बदल गई, तो सोच भी बदलना चाहिए और सोच बदलना जरूरी है आज, क्योंकि अपना एक आदमी का ब्रेन डेड होगा और उसका अपन अंगदान करेंगे तो कम से कम 8 से 9 लोगों को नया जीवन मिलता है। ये सोच बदलनी चाहिए और लोगों ने इसके अंदर समाविष्ट होना चाहिए और लोगों का अंगदान का करने का पूरा जज्बा होना चाहिए। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, कई बार लोग कहते हैं नेत्रदान करेंगे तो शायद हमारी पूरी आंखें निकाल ली जाएंगी, कई तरह का डर लोगों के मन में होता है, तो आप ऑलरेडी अंगदान कर चुके हैं और 18 साल हो चुके हैं, 18 साल पहले आपने अंगदान किया था और उसके बाद से आप कई राज्यों में बाइक पर सवार होकर अंगदान करने का संदेश लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को भी ज़रा बता दें कि यदि नेत्रदान करना है तो नेत्रदान में कोई किसी तरह की चीर फाड़ नहीं होती है। नेत्रदान में खाली जो आँख का अंदर जो काला हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा ऊपर से निकाल रहते हैं, उसको कार्निया बोलते हैं, तो वो कुछ आँख पूरा आँख निकाल के अपना चेहरा खराब नहीं होता, करते नहीं है। और थोड़ा सा डॉक्टर लोगों का भी ये कर्तव्य कि अंगदान में कौन सा चीज़ कैसा निकालते हैं और उससे कुछ नुकसान नहीं होता, नहीं तो बॉडी का कुछ खराबी नहीं होती है, ऐसा डॉक्टर लोगों ने बताना चाहिए और अभी बता रहे हैं वो लोग भी। आप अंगदान के लिए दर दर भटक रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगी कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए बाइक पर सवार होकर पुणे से कई राज्यों का दौरा करते हैं जहाँ बाइक राइडर्स एसोसिएशन जो है वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके साथ आकर खड़ी हो रही हैं। आपका प्रोत्साहन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए आप जब किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ आपका जो टारगेट जो भी लोग हैं वो कौन होते हैं? स्कूल के बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या हाउसवाइफ्स होती हैं, या ऑफिसर्स होते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो राज्य में जाएंगे वहाँ पे जो संस्था है वो सब कार्यक्रम अरेंजमेंट करते हैं। कॉलेज पे हमारा लेक्चर होता है, हाई स्कूल में होता है, डॉक्टर लोग जुड़ते हैं हमको, डॉक्टर लोगों से बीच में भी हमारा प्रोग्राम रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वाले और पेपर वाले उनसे बहुत माध्यम से आप बात जनता की तरफ पहुंचाना चाहते हैं और सभी हमको सहयोग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपको समाज प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग आपको मदद भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके साथ आपको मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है क्या वो आपको किस तरह की मदद कर रही है और आपके इस इतने अच्छे काम के लिए, इतने अच्छे मतलब एक सोशल कॉज के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कभी आपको सरकार ने या फिर किसी संस्था ने सम्मानित भी किया है? जो प्राइवेट संस्थाएं उनसे मेरे को बहुत सारा 18-19 सम्मान मिले हैं, मगर गवर्नमेंट से अभी तक कोई सम्मान मिला नहीं और किसी ने मेरी पूछताछ भी की ही नहीं। ऐसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो 2016 में सांगली में जो महाअभियान रैली निकाली थी उसके अंदर तो मेरा बहुत बड़ा हिस्सा था, तो भी हमारा आकाशवाणी पे हमारा ये भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था, मगर हमारे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई हमको पूछताछ नहीं की।
क्या संदेश देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को, नेशन वन के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उनकी तरफ गया नहीं, क्योंकि अभी राज करते जो रहते हैं वो तो हम उनके पास जाएंगे तो पहला बोलेंगे कि तुम्हारे गांव का जो हमारे पक्ष का जो लीडर है उसका लेटर लेके आओ। तो ऐसे इसमें चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को खाली दिल से समाज सेवा करने का है। हमारी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हमारा ये ले नहीं तो नहीं ले, हमको उससे मतलब नहीं। तो बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, उन्हें किसी भी सम्मान की यहाँ पर कोई भी दरकार नहीं है, वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है, वो समाज के लिए अपना जो काम है, अपनी जो सेवा है वो पूरी तरह से तत्परता के साथ समाज के लिए करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी सम्मान की ज़रूरत नहीं है। जाते जाते आपसे एक संदेश भी लेना चाहेंगे कि क्या संदेश आप हमारी जो यूथ पीढ़ी है वो क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं? गांव गांव और शहर शहर में यही मेरा नारा है, अंगदान करना और करवाना काम तुम्हारा हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अंगदान कीजिए भाई, अंगदान कीजिए भाई। बहुत खूब, अंगदान कीजिए भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जाति और धर्म के ऊपर उठ करके आप समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और समाज सेवा के लिए जो यूथ है उसको भी आपने जागृत किया और आपसे, आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।